उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ता जा रहा है। आज उत्तराखंड में कोरोना के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। आज उत्तराखंड में कोरोना के 7783 नए मामले सामने आए, जबकि आज उत्तराखंड में कोरोना से 127 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में सबसे अधिक 2771 नए मामले सामने आए। अल्मोड़ा में 271, बागेश्वर में 240, चमोली में 283, चंपावत में 245, हरिद्वार में 599, नैनीताल में 956, पौड़ी गढ़वाल में 263, पिथौरागढ़ में 225, रुद्रप्रयाग में 143, टिहरी गढ़वाल में 504, उधमसिंह नगर में 1043 और उत्तरकाशी में 240 नए मामले सामने आए हैं। इससे उत्तराखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 211834 पहुँच गया, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 3142 पहुँच गया है। वहीं आज उत्तराखंड में कोरोना से 4757 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं कोटद्वार से बड़ी खबर आई है, कोरोना जांच के नाम पर अवैध वसूली, पुलिस हिरासत में पैथोलैब डॉक्टर। तो कोटद्वार से खबर है, कोटद्वार के माही पैथोलॉजी लैब में पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान एंटीजन टेस्ट कराने आए गाड़ीघाट निवासी सुनील रावत ने माही लैब पर 900 रुपये वसूलने का आरोप लगाया। काशीपुर से खबर आई है, शादी में जुट गई भीड़, दुल्हन के पिता समेत 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज। तो शादी समारोह में 25 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जा रही है, यदि कोई इससे ज़्यादा भीड़ जुटाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राज्य के वैक्सीन अभियान ने पकड़ी रफ्तार, 48 घंटे में मिली 3,20,000 डोज। तो उत्तराखंड में कोरोना वैक्सीन की कमी को काफ़ी हद तक पूरा कर लिया गया है। पिछले 48 घंटे में 3,20,000 वैक्सीन की डोज मिल चुकी है। मुख्यमंत्री राहत कोष से 11 करोड़ जारी, बेड और फ्रंटलाइन वॉरियर को मिलेगा वेतन। तो कोरोना मरीजों को बेड की परेशानी ना हो, इसके लिए मुख्यमंत्री राहत कोष के 11 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। वहीं खबर है, उत्तराखंड के जिले में 9 मई तक लगा कर्फ्यू। तो उत्तराखंड के चमोली जिले में 9 मई तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके बाद जिले के सभी नगर पालिका, नगर पंचायत क्षेत्र और जनपद घाट देवाल व नारायणबगड़ बाजार की सभी दुकानें 6 मई से 9 मई सुबह 5 बजे तक पूरी तरह बंद रहेंगी। इस अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानें प्रतिदिन दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। दवाई की दुकानें पूर्ण रूप से खुली रहेंगी। नियमों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं खबर आई है, नई आफत, कोरोना मृतकों के बिस्तर और कपड़े जंगल में फेंक रहे लोग। तो ऋषिकेश में एक नई आफत सामने आ रही है, यहां कोरोना से मरे लोगों के बिस्तर और कपड़े लोग जंगल में फेंक रहे हैं, जिससे जंगली जानवरों और यहां घास लकड़ी लेने वाले लोगों को संक्रमित होने का खतरा बढ़ गया है। केदारनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने जाएगा दल, 17 मई को खुलेंगे कपाट। तो केदारनाथ धाम के कपाट 17 मई को खुलेंगे। कपाट खुलने की तैयारियों का जायजा लेने गुरुवार को एक दल केदारनाथ धाम जाएगा। वहीं खबर आई है, हरिद्वार से, हरिद्वार में खड़े ट्रक में लगी आग, जलकर हुआ राख। तो इस घटना से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग में ट्रक पूरी तरह जलकर राख हो गया।